Hello, students. I hope you all are fine. Students, till now we have finished our five chapters. I hope you all must be reading all the chapters well and also doing writing practice by solving worksheets. So, today we will start our sixth chapter. My school. Chapter 6 My school. Things to learn. Activities we do in school and places in a school. The big idea. We learn new things and have fun at school. हम स्कूल में नई चीजें सीखते हैं और मस्ती करते हैं नाउ बिफोर वी स्टार्ट लेट्स डू एन एक्टिविटी ऑब्जर्व द पिक्चर नेम द टू थिंग्स दैट द चिल्ड्रन आर कैरिंग टू स्कूल स्टूडेंट्स here you have to observe the picture और देखो picture में कौन सी दो चीज़ें आपको दिखती है जो बच्चे school में ले जाते हैं yes the first one is water bottle and second one is school bag students what is the name of our school yes it is एच बी कापड़िया न्यू हाई स्कूल थिंग्स वी लर्न एट अ स्कूल हम स्कूल में क्या क्या सीखते हैं वी गो टू स्कूल टू स्टडी एंड प्ले वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर टीचर्स हम अपने टीचर्स से बहुत सी बातें सीखते हैं वी लर्न टू रीड एंड राइट हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं वी लर्न टू ड्रॉ एंड पेंट

आई कार्ड पहन के जाते हैं वी कैरी आवर बैग बुक्स पेंसिल बॉक्स लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल टू स्कूल है ना हम ये सब चीज़ें लेके स्कूल में जाते हैं वी डू प्रेयर इन अवर क्लास हम क्लास में सबसे पहले प्रेयर करते हैं वी लव एंड रिस्पेक्ट अवर टीचर्स वी ग्रीट अवर टीचर्स इन द मॉर्निंग हम टीचर को मॉर्निंग में सबसे पहले क्या विश करते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ने मैनी टू एक्टिविटीज दैट यू डू एवरी डे एट योर स्कूल वी स्टडी इन अ क्लासरूम हम क्लासरूम में पढ़ते हैं एंड वी गो टू अ लाइब्रेरी टू रीड डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स हम लाइब्रेरी में अलग अलग बुक्स पढ़ने जाते हैं प्लेसिस इन अ स्कूल यहाँ पे हम स्कूल में कौन सी अलग अलग प्लेसिस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे प्ले ग्राउंड एवरी स्कूल यूजअली हैज़ अ प्ले ग्राउंड वेर वी प्ले विथ अवर फ्रेंड्स हर एक स्कूल में यूजअली एक प्ले ग्राउंड होता है और वहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं प्ले ग्राउंड हैज मैनी स्विंग्स एंड स्लाइड्स प्ले ग्राउंड में बहुत सारे स्विंग्स और स्लाइड्स होती है वी डू फिजिकल एक्सरसाइज इन द्ले ग्राउंड वी ऑल्सो लर्न to play different games in the playground next place is principal's office the principal is the head of the school the room where the principal sits and works is known as the principal's office प्रिंसिपल जहाँ पे बैठते हैं और अपना काम करते हैं उस जगह को हम प्रिंसिपल की ऑफिस कहते हैं नेक्स्ट प्लेस इज स्टाफ रूम टीचर्स हैव अ सेपरेट रूम फॉर देम सेल्स इन स्कूल दिस रूम इज कॉल्ड The staff room. Students, it's time for today's homework. Match the following. Here you can see three names of the places in the school are given playground, staff room, and principal's office. You have to Match them with the picture, and you also have to learn the spellings of all three places and write down in your double line notebook two times. Students, I hope you all have understood well. We will continue. With remaining topics in the next session. Goodbye.